हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ ड्रम स्टिक यानी सहजन और आलू की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सहजन को पहले से ही काट के पानी में रखे हुए है, उससे हमारा सहजन अच्छे से बन जाता है और उसमें अच्छे से ग्रेवी चली जाती है। इसके लिए हम उसे पानी में पहले से रखे हुए हैं। इसके लिए मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है, इसमें मैंने 5 फोरन डाला है। ये जब थोड़ा हमारा चटकने लगेगा तो इसमें, उसके बाद मैंने जो सहजन को पानी में डाल के रखा था ना, उसे इस ऑयल में डाल देंगे और उसके साथ साथ हमने जो पोटैटो काट के रखा था ना, ये दोनों को डालकर अब थोड़ा देर हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। जैसा कि डाल देख सकते हैं कि मैं दोनों चीज़ को डाल दे रही हूँ और इसे अब ऐसे ही हमें थोड़ा देर के लिए फ्राई करना है, जिससे हमारा सहजन अच्छे से भुन जाए। जब ये पाँच मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लहसुन डालने के बाद भी हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इस तरह इसे लहसुन डालने के बाद भी हमें 5 मिनट अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब उसमें हम कुछ बेसिक मसाला डालेंगे, जैसे हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार, मिर्चा और सरसों का पाउडर ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें सारा बेसिक मसाला ऐड कर रही हूँ। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे फिर से थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और इसे हमें तब तक इसको भूनना है जब तक ये हमारा थोड़ा थोड़ा ऑयल ना छोड़ने लगे। इस तरह हम इसे सारा चीज़ डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद ये हमारा सहजन और पोटैटो का सब्ज़ी अच्छे से मिक्स होकर थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने लगा है। तब हम इसी टाइम पे इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर बहुत लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इस टाइम पर इसमें पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे, जिससे हमारा आलू और सहजन दोनों अच्छे से पक जाए। इसे थोड़ा सा बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसका नहीं, इसे ढक के इस तरह छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा सहजन और आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, जो देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। आप एक बार इस तरह बनाएं, बिल्कुल बहुत अच्छा खाने में लगे।